सबसे पहले हमने कपड़े को चाले में फोल्ड करके और बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। बेल्ट का निशान हमने 6 इंच पर लगाया है। 6 इंच पर निशान लगा के हम जो हिप का चौथाई भाग लेंगे, तो हिप पे हमारी 36 इंच, 36 का चौथाई भाग लिया है हमने। 9 इंच डेढ़ इंच की लूजिंग रखी है और फिर 1.5 इंच हमने नेफे के लिए निशान लगाया है, तो इसकी मार्किंग को सीधी कर दी है। और फिर हम नीचे से लाइन को सीधी करके और आधा हाफ इंच का मार्जिन के लिए लेकर इसको कट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कपड़े को हम ट्रायंगल शेप में बिछाकर रख लेंगे और फिर हम यहाँ पर बंद साइड को अपने तरफ रखना है और बाहर ओपन साइड को रखना है। हम यहाँ पे पहले मोरे का निशान लगाएंगे, फिर उसी निशान से हम सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। सलवार की लंबाई है 36 इंच, 36 का 6 माइनस करेंगे तो 30 इंच पर हमने लंबाई ले ली है। फिर उस कपड़े को ट्रायंगल शेप में एकदम लाइन से सीधे कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे। हिप जो भी चौथाई भाग होता है हिप का, उसका निशान लगा लेंगे। तो 9 इंच पर हमने निशान लगा के इसको गोल शेप में कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम तीसरे किनारे पर हम 2 इंच का